हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मै के सबसे दोस्तों आज की वीडियो हम पाषाण युग के पिछली वीडियो में तो पाषाण काल हमने पढ़ा दिया था लेकिन एक चीज़ वहां पे हमने छोड़ी थी कि उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है ठीक है तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है दस पहले से लेकर के दस हजार बीस तक और दस हजार बीस से आगे मध्य पाषाण काल है ठीक है और नव पाषाण काल हम कहाँ कब कब से मानते हैं जहाँ जब से कृषि का आविष्कार हो गया ठीक है विश्व में कृषि का विष्कार पहले हुआ और भारत में थोड़ा सा बाद में हुआ इसलिए दोनों का नवपाषाण काल का टाइम भी अलग अलग है ठीक है जैसे अगर भारत में नवपाषाण काल का टाइम पीरियड हम लें तो सात हजार बीसी या आठ हजार बीसी लेंगे क्यों लेंगे ये भी अभी हम बता रहे सात हजार बीसी लेंगे या आठ हजार बीसी लेंगे देखिए सात हजार बीसी इसलिए क्योंकि यहां पे मेहरगढ़ में मेहरगढ़ में इस टाइम पीरियड में गेहूं मिला था ठीक है और लेकिन अभी रिसेंट एक खोज हुई है उसमें लहुरा देव एक स्थान है भारत में लहुरादेव, देव ठीक है जहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ठीक तो नौ पाषाण काल का टाइम पीरियड 8000 हजार बीसी अभी 7000 हजार या 8000 हजार बी भारत में मानते हैं ठीक है और विश्व में विश्व में देखिए 9000 से नौ हज़ार से दस हजार ठीक है नौ हजार से दस हजार बी विश्व मानते हैं क्योंकि उस उस टाइम के आगे विश्व में नवपषाणकालीन मतलब कोई कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो चुका था ठीक ये नवपषाण काल हुआ पूरा पाषाण काल दस मतलब दस हजार बीसी तक उसके बाद मध्य मध्य पाषाण काल कब से आ गया दस हजार बीसी से आगे और पूरा पाषाण को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया निम्न मध्य और उच्च ठीक है ये तीन भागों में वर्गीकृत किस आधार पर किया गया पूरा पाषाण काल को जलवायु परिवर्तन और पाषाण उपकरण के प्रकृति में परिवर्तन के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया किसमें जलवायु परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया किसको पूरा पाषाण काल को अगर कोई पूछे कि पूरा पाषाण काल को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है यहाँ पे आप आंसर देंगे जलवायु परिवर्तन के आधार पर तीन भागों में से क्या किया गया विभक्त किया गया है ठीक ये पाषाण युग के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं काल मतलब समय कहाँ से कब था मतलब पूरा पाषाण काल कब से कब था मध्य मतलब पाषाण काल कब से कब था विश्व में नौपषाण कल कब था भारत में कब था ठीक है ये बताने का मतलब है और उच्च मध्य निम्न जो पूरा पाषाण काल को वर्गीकृत किया गया है वो जलवायु परिवर्तन के आधार पर परिवर्तित किया गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ना इसलिए ये बताना बहुत ही जरूरी है ओके अब हम लोग चलेंगे पाषाण कालीन उपकरण पे ठीक है पाषाण कालीन उपकरण पे चलेंगे हम लोग देखिए पाषाण कालीन उपकरण अभी हमने बताया कि पाषाण काल कितने काल में होता है पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पूरा पाषाण काल को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया निम्न मध्य और उच्च ठीक निम्न का काल क्या है निम्न में निम्न में कौन कौन से मतलब औजार थे देखिए निम्न वाले में कोर था कोर आपको पता ही होगा और इसमें फ्लैग था अभी बता रहे फ्लैग क्या होता है कोर क्या होता है और इसमें था ब्लेड ठीक जैसे देख लिए ये कोई आपका पत्थर है इसको उठा के पटक दिया पटक दिया तो छोटा पत्थर उसके साइड साइड से ये सब निकल जाएंगे ठीक है पत्थर का ये भाग ही है छोटा छोटा ठीक ये हो गया कोर और ये होगा फ्लेक और इसी को थोड़ा सा रगड़ के थोड़ा बना दिया जाए तो हो जाएगा ब्लेड ठीक है ना ये टेक्निक है ये टेक्निक मतलब बटी का पत्थर को पटक के ये सब बनाए जाते थे ये पूरा पसड़ कर के जो तीनों काल थे उसमें इसका यूज हो होता था ठीक है खुरचनी खुरचनी वाला जो है ये मिडिल में आता है ठीक ये मध्य पाषाण ऐसे लिखा जाएगा मध्य पाषाण और नवपाषाण के उपकरण जो है, वो है आपको देखिए क्वेश्चन जो है, इस टाइप का है कि पूरा काल में पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं तो हड्डियों के औजार किस का, किस काल में प्राप्त हुए हैं तो हड्डियों के औजार हैं मध्य पाषाण काल में इसमें स्टोन इस के, इस के तो प्राप्त हुए हैं मतलब पत्थर के तो प्राप्त हुए हैं साथ में बोन के भी हथियार यहाँ पे औजार बनाए गए थे ठीक है बोन के औजार से प्राप्त हुआ यहाँ पे महदहा में महदहा में प्राप्त हुआ था मध्य पाषाण कालीन स्थल है ठीक है और नौ पाषाण काल में नौ पाषाण काल में भी स्टोन का मिला था स्टोन के औजार प्राप्त हुए थे साथ में बोन के औजार भी प्राप्त हुए थे और भी मैंने बताया था कि नव पाषाण काल में क्या प्राप्त हो गया था कापर तो धातु के भी औजार यहाँ पे प्राप्त हुए थे ठीक बस यही आपको याद रखना है ठीक एक शब्द यहाँ पे आता है माइक्रोलिथ्स ये शब्द से आपको क्या हो शब्द से रूबरू करा दूँ। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है ऐसा औजार जिसकी लंबाई वन टू सेवन सेंटीमीटर मतलब छोटे छोटे औजार जो जैसे किसी को फेंक के मार दिया किसी जानवर को ठीक है तो इस टाइप के औजार को माइक्रोलिथ्स कहते थे उस टाइम तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पूरा पाषाण काल में हम लोग पत्थरों के औजार से काम चलाते थे ठीक है कोर क्या होता है? ये कोर है ये देखिए कोई पत्थर है ये पहले बात ये समझ लीजिए पत्थर है इसको पटक दिया गया मतलब इसे पटकने पर ठीक पटकने पर ये ऐसा बच गया मतलब बीच का ये भाग बचा और छोटे छोटे ऊपर से निकल गए इन दोनों को, इस सबों के बोलते हैं फ्लेक ठीक इसे बोलते हैं कोर ठीक और ब्लेड इसी को थोड़ा रगड़ दिया जाए जब फ्लेक को और थोड़ा नुकीला टाइप मतलब चौखार पूरा बना दिया जाए तो ब्लेड ठीक है और किसे बोलते हैं ऐसे औजार जिनकी लंबाई वन टू सेवन सेंटीमीटर से चला के मारे जाता है और मध्य पाषाण काल में बोन मतलब हड्डियों के भी औजार बने हुए प्राप्त हुए हैं मैदहा साक्ष मिला है इसका और नव पाषाण काल में स्टोन के भी मिले हैं हड्डियों के भी मिले हैं और धातु धातु मतलब कापर के भी मिले हैं ठीक है तो ये हो गया आपका पाषाण कालीन उपकरण अब हमारा पाषाण काल में बस एक टॉपिक बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाषाण कालीन स्थल ठीक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है पाषाण कालीन स्थल उसको आप लोग मिस मत करिएगा और जितनी भी वीडियो बन रही है सब लिंकअप करके बन रही हैं और इसी तरह से पूरी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी जाएगी कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है तभी हम कुछ इसमें और अगर जानकारी आपको चाहिए तो हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे कमेंट जरूर करिए लाइक करिए चाहे मत करिए ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम